सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अप। सफाई कर्मचारी जहां शहर को स्वच्छ रखने की कवायद में जुटे हुए हैं, वहीं लोग समझने को तैयार नहीं हैं। शहर को डस्टबिन के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे शहर की स्वच्छता पर ग्रहण लग गया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात सफाई करने को तैयार हैं, लेकिन अगर दुकानदार शहर में कूड़ा कटकट फैलाएंगे तो वे उनके चालान कटवाने की अनुशंसा नगर परिषद से करेंगे। कुछ गलियों की हालत सफाई न होने से खस्ता हो चुकी है। सफाई कर्मचारियों के न आने से गलियों में सफाई नहीं हो पाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अगर सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसे दे दिए जाएं तो गलियां साफ हो जाती हैं, वरना नहीं होती हैं। देखते सर, एक तो है ना, हमारे पास पूरा साधन नहीं है जी। एक तो हमारे पास जो है ना, तो कम से कम 200 आदमी शहर में लगने चाहिए जी, ठीक है जी, और 100 रेडियां होनी चाहिए जी, और लोग जो है ना, लोगों का चालान होना चाहिए जी, जो इधर उधर फेंकते हैं उनका चालान होना चाहिए सर। हमारे पास अब जी 50 आई थी और कुछ वो रेडी है, 100 से रेडी जो कंडम है जी, उनमें टायर डरने वाले हैं सर। तो हमने दो तीन बार हमारे साहब को बोला जी, वो कोई सुनाई नहीं करे, ये कहते भी आगे करेंगे मीटिंग में बात। जैसे अब हमने सफाई की है सर, ठीक है जी, लोग पट्टे डालते हैं जी, घरों का कूड़ा बाहर डालते हैं सर, बाजार में जो है ना, हम सफाई सुबह 4 बजे हो जाती है जी, बाजार वाले क्या करते हैं, सफाई की और सारा बीच में इकट्ठा कर दिया जी, कोई डस्टबिन लगा रखा सर। बिल्कुल बोलते हैं सर, भादरा बाजार में मैं जो है ना, काफ़ी दुकानें उनको बोलता हूँ, भाई आप जो है ना, इसको एक साइड डस्टबिन में डालो, गाड़ी आती है गलियों में उसमें डाल दिया करो। वो कहते हैं भाई साहब सामने प्लाट खाली पड़ा, उसमें डाल देते हैं जी। प्रशासन से जी हम तो ये कहते हैं भी, दुकान वाले का चालान होना चाहिए सर, दुकान वाले का चालान होगा वो बाजार में दोबारा से कूड़ा नहीं डालेगा। हमारे को शहर में 200 आदमी सफाई कर्मचारी होने चाहिए सर, और 100 रेड़ियाँ होनी चाहिए सर। अब हमारे पास 259 है जी, 59 में से 200 तो शहर में सफाई करते हैं और 59 जो है ना कोठियों में है सर। बिल्कुल जी, कमेटी देती है सर उनको तनख्वाह जी, काम कोठियों में करते हैं। हाँ जी, तनख्वाह सरकार देती है जी।